चैतन्य मंदिर है वो तो अभी बन रहे, बन रहे हैं या बन गए? बन रहे हैं। मंदिर पहले बनाया जाता है और बाद में उसमें मूर्ति स्थापन की जाती है। मूर्ति स्थापन होती है फिर बाद में उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो अभी उन चैतन्य मंदिरों को वास्तव में मंदिर है ये कहेंगे भी क्या है? मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, है तो नहीं, और मूर्तियां भी उनमें चैतन्य नहीं है, जरा शरीर है और उनमें देवात्माएं नहीं है। देवता बन जावेंगे बाकी हमारी बुद्धि में है ये देवता बनने वाले हैं। नंबर बार पुरुषार्थ चाहे वो पृथ्वी की आत्मा हो चाहे वो राधे की आत्मा हो या उनके सखा सखी हो, हाँ अगर बुद्धि में ये बैठा हुआ है इनकी जड़त्वमयी बुद्धि ज्ञानी तू आत्मा नहीं बनी है तो सेवा करने के लिए जाएंगे या वहां टोली लेने के लिए जावेंगे या पढ़ाई पढ़ने के लिए जावेंगे? नहीं, तो सेवा करने के लिए चाहे वो हद के मंदिर हो और चाहे बेहद के मंदिर हो से हमारा कल्याण होगा जाने मात्र से। अगर लक्ष्य हमारा सेवा का है तो मुझे पता है कि पहला ही बच्चों की हो रही है क्योंकि ये जानते हुए अपनी सेवा में लगे रहना है। प्रकार की सेवा है और बाप के भी तीन प्रकार के बच्चे, ब्रह्मा जैसे बच्चे, शंकर जैसे बच्चे और विष्णु जैसे बच्चे। तो हम जो सेवा करते हैं उसमें भी देखना है जिन आत्माओं की हमने सेवा की वो आत्माएं किस कैटेगरी की आत्माएं, स्थापनाकारी है, सिर्फ विनाशकारी है या पालना करने वाली भी है? अगर कोई में तीनों शिष्य हैं तो श्रेष्ठ सेवा है और सेवा का जो बीज डालने वाला है वो पिता कहा जाता है। पिता
अगर विकृत बुद्धि होगा तो संतान भी कैसी पैदा होगी? है विकृत पैदा होगी। ये बात ठीक है कि कोई भी आत्मा ज्ञान में आने के बाद जाम दे नहीं बन जाती है, हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। परंतु फिर पुरुषार्थ की रफ्तार तो देखी जाती है। तो जो विकृत भी होते रहते हैं दृष्टि से, वाचा से, वाइब्रेशन से, कर्म इंद्रियों से, तो उनकी सेवा का रिजल्ट इच्छु चिंतन आवेगा या वैष्णव बच्चे पैदा होंगे? कौन सी पैदाइश होगी? इच्छु चिंतन की पैदाइश होगी। ये बात तो ठीक है कि शंकर द्वारा भिक्षु चिन्हन पैदा हुए, इन भिक्षु चिन्हनों से तो पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ, पुराने समोपदान यज्ञ का भी ध्वंस हुआ और वो विध्वंस भी कल्याणकारी साबित होता है या कल्याणकारी साबित होता है? उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। परंतु आत्मा में ऐसी पावर चाहिए कि जो भी काम किया वो ड्रामा प्लेन अनुसार ड्रामा में कल्याणकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ? कल्याणकारी हुआ। अगर ऐसे भाव बुद्धि में बैठे हुए हैं तो दृढ़ता के कारण पाप नहीं बनता है। अगर दृढ़ता की कमी है तो जरूर ज्ञान की कमी होगी और ज्ञान की कमी होने से फिर आत्मा में कमजोरी पैदा होती है। कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी वाचा बोलते हैं, कोई भी वाइब्रेशन फैलाते हैं तो बाद में पश्चाताप होने लगता है, हमने ऐसा क्यों किया, और उसका निराकरण नहीं खोज पाते। इसलिए पाप वृत्ति बन जाती है। अगर दृढ़ता पूर्वक कर्म किए जाए ज्ञान युक्त बुद्धि से, याद में रह करके, तो पाप बनता नहीं है। और ऐसी निष्पाप बुद्धि स्वयं का कल्याण नहीं करती। बाकी ये तो जरूर बोला है शंकर का काम शंकर को करने दो, तुम शंकर को फॉलो नहीं करो। क्यों? क्या होगा? तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ होता है
उसको दो अंक नहीं लगता है। जैसे सूर्य है कचड़े को सुखा देता है, बदबू को भी भस्म कर देता है, साफ कर लेता है। अग्नि है वो भी कचड़े को खा जाती है, परंतु कचड़े को खाने वाले को मंद कोई नहीं कहता, उनको भी देवता नाम दे दिया है। ऐसा क्यों? अरे अन्न दोष और संग दोष लगेगा तो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा कोई को नहीं लगेगा? सबको लगता है। तो अग्नि देवता हो या सूर्य देवता हो, उनको देवता की कोटि में क्यों रख दिया? जब तो उनका खान खान पान ऐसा निष्कृष्ट है, क्योंकि शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? बड़े से बड़ी शक्ति किस चीज की होती है? जरूर सूर्य देवता हो या अग्नि देवता हो, उन्होंने याद की शक्ति बहुत ग्रहण की है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुरु को फॉलो करो, परंतु कर्मों में फॉलो नहीं करो, आज्ञाओं को फॉलो करो। वो इसीलिए कहते हैं कि जो समर्थ होता है उसको पाप नहीं लगता है, असमर्थ को पाप लग जाता है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता, और उस आत्मनिष्ठ की यादगार में उसके चित्र भी दिखाए जाते हैं याद में। कौन सा चित्र है जो सदैव याद में ही दिखाया जाता है? या जैनियों में तीर्थंकर है, और गायन में कहते हैं हर हर बम बम, ऐसे में तो बमों के द्वारा सारी दुनिया का विनाश कराई देता है, परंतु उस पर कोई पाप नहीं लगता। ये बोला कि अभी जो सृष्टि की पैदाइश हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो विष्णु चिन्ह में पैदा हो रही है या देवात्माएं पैदा हो रही है? अरे रुद्रमाला बन रही है या विजयमाला बन रही है? कौन सी माला के मां के बन रहे हैं? रुद्रमाला तैयार हो रही है, इनको विष्णु चिंदन के रूप में दिखाया गया है, भूत प्रेत के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये चिबके बच्चे हैं, इसलिए पावर को बहुत है। विजयमाला भी बनेगी, उतनी पावरफुल नहीं होगी। वैसे भी देखा जाए तो राक्षसों में ज्यादा ताकत होती है या देवताओं में ज्यादा ताकत होती है? अगर देवताओं का सहयोगी परमात्मा बाप न बने तो देवताएं कभी भी विजय को
नहीं प्राप्त कर सकते। अभी बताया गया सबसे पावरफुल शक्ति याद है और आत्मनिष्ठ शक्ति होने के कारण सारी दुनिया का कम कर दिया तो भी कोई बात नहीं करो। अभी बताया गया क्योंकि सबसे पावरफुल तो यही हुआ था आत्मनिष्ठ शक्ति। वो भी कहाँ से आती है? आत्मा सबसे पावरफुल है और आत्मा जो पावरफुल है वो आत्मा का ज्ञान मिलने से मिलने मात्र से ही पावरफुल हो जाती है। या आत्मा को संग का रंग याद में चाहिए भी नहीं चाहिए? चाहिए। इतना पावरफुल संग का रंग लेगी उतनी जाती पावरफुल बनेगी। चाहे साधारण आत्माओं का संग करे चाहे असाधारण आत्माओं का संग करे और चाहे परमात्मा का संग करे जैसा संग स्मृति के आधार पर वैसा रंग जरूर लगेगा। तो आत्मनिष्ठ तो है लेकिन ऐसा आत्मनिष्ठ कौन है जो 24 घंटे आत्मनिष्ठा में रहे, पाकिस्तान में आने के बावजूद भी आत्मनिष्ठा में रहे? वो बाप इस धरती पर आता है तो कोई को आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? एक आत्मा तो बनती है 100%। इसका नाम जैसा के साथ जोड़ा जाता है तो उस एक आत्मा का ही ये गायन है गीता में कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे। क्या 500 करोड़ आत्माएं सारे संसार की हत्या करती है? इतनी ताकत है नहीं। उसे एक का ही गायन है जिसके नाम के पीछे हर हर बम बम शब्द लगाया जाता है। कर्मा नामे शंकर को फॉलो नहीं करना, कर्मा नामे ब्रह्मा को फॉलो करना बोला है, पर ब्रह्मा को तो काम जीत को नहीं दिखाएगा। काम जीत नहीं दिखाया गया है तो पीछे हुए दिखाया गया है क्या? तो काम जीत की बात ही नहीं। उतना ऐसा कोई काम किया ही नहीं कर्म इंद्रियों से। वित्त पीने का काम किया गया? जब काम ही ऐसा कर्म इंद्रियों से नहीं किया तो फिर फॉलो किसको करेंगे? जो किया होगा उसी को तो फॉलो करेंगे। शंकर ने किया तो शंकर ने किया तो उन इंद्रियों से वित्त को पान किया या नहीं किया? ब्रह्मा ने नहीं किया। कर्मों में किसी आधार से कि ब्रह्मा ने कौन सी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करके श्रेष्ठ कर्म वाला बन गया? भले मनसा इतनी पावरफुल नहीं है, बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है, परंतु कोई आदमी समझदार होता है, कोई आदमी समझदार नहीं होता। तो कोई कोई ऐसे भी तो आदमी होते हैं जो समझदार नहीं होते हैं, बुद्धिमान तो बहुत नहीं होते हैं लेकिन कर्म बड़े अच्छे करते हैं। होते हैं नहीं होते तो फिर पाप उनका बनेगा नहीं बनेगा? ये बोला कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन मेरे मानने। क्यों? क्योंकि करावनहार का पार्ट अलग है, ये पावरफुल पार्ट है, और करणहार का पार्ट अलग है। कर्म करके दिखाना ये सिर्फ अपने को कंट्रोल करने वाली बात हुई, दूसरों को कंट्रोल करने की बात नहीं है। अब कराना है फिर खुद करे या न करे
तुमसे करा के छोड़ूंगा। तो जबरदस्ती हो गई ना, बिना पावर के ऐसा कार्य हो सकेगा? पावरफुल होगा तो करा सकेगा। इसलिए ब्रह्मा को लीनेंसी के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है और शंकर को कड़क रूप में बैठा हुआ दिखाया गया। मैं बिना चुन से कराता हूँ सारी दुनिया का बिना कर दिया, क्योंकि उनको कोई पाप नहीं लगता। मगर यहाँ तो चेकिया बिना से लिमिट बन रही है, क्योंकि उन लोगों को पाप लगने से नहीं। जो विनाश का कार्य में शक्तियाँ दिखाई गई हैं, उनके जो चित्र दिखाए जाते हैं महाकाली के, सबसे ज्यादा विनाश कौन सी देवी करती है? महाकाली। उसके मस्तक में कौन बैठा हुआ है? जो बाबा बैठा हुआ है कि नहीं? और चंद्रमा भी बैठा हुआ है या नहीं? तो बाप दादा उनकी बुद्धि में याद है क्या? वो याद की शक्ति से वो विनाश का कार्य भी करती है। ये केवल शक्तियां गाई हुई है, केवल सत्ता नहीं गाया है। बाबा ने कहा है शक्तियाँ अपने मनमत से करती है, शक्तियाँ अपने मनमत से करती है। हाँ, है उतना ही कार्य करेगी। और किसी ने कहा है बुद्धि अगर तीव्र है और सात्विक भी है, पवित्र बुद्धि सात्विक होगी या पवित्र बुद्धि सात्विक होगी? पवित्र माने आप व्यभिचारी और अपवित्र माने व्यभिचारी। विदेशी माताएं ज्यादा व्यभिचारी होती हैं या भारत माताएं ज्यादा व्यभिचारी होती हैं? विदेशी माताएं व्यभिचारी होती हैं और भारत माता आप व्यभिचारी होती हैं। तो पवित्रता की शक्ति व्यभिचारी करती है, स्थापना भी करेगी पालना भी करेगी, लेकिन विनाश विनाश नहीं करेगी। विचार से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना और अच्छी पालना। बाबा एक टीवी में बताया गया है जगदम्बा का सामुद्री पाटिल महाकाल, तो फिर तामस की से कहा जाता है। तामस की दुनिया कौन सा युग है? तामसी जो दुनिया कलयुग कहा जाता है, उसमें व्यभिचार पनपता है या अव्यभिचार पनपता है? तामसी बनते ही है व्यभिचार से। अल्लाहाबाद माने किसका बाद? अल्लाह का बाद। जो अल्लाह का नगर होगा, अल्लाह का आबाद किया हुआ होगा, वो ऊंची चीज होगी कि नीची चीज होगी? ऊंची चीज है, क्योंकि अल्लाह का आबाद किया हुआ है और वो आबाद तब किया जाता है असली रूप में जब तीनों नदियां वहां इकट्ठी हो। क्या? काली नदी भी हो, गोरी नदी भी हो
और सरस्वती नदी भी होती। तीनों का मेल होता है तब अलाहाबाद का कुंभ पड़ता है। कुंभ माने घड़ा, काहे का घड़ा है, काहे का घड़ा, क्या निकला, कहां से निकला, सागर मंथन हुआ तो कुंभ निकला। जो ज्ञान कलश है, असली ज्ञान कलश तैयार ही तब होता है जब तीनों नदियों का मेल हो जाए, स्वभाव संस्कार का मेल हो जाए। और अपना अपना स्वभाव संस्कार त्याग करके गंगा के स्वभाव संस्कार में मिल करके एक आकार हो जाए, तब भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण जगने वाले नहीं है। वो तो स्थूल इलाहाबाद की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में अल्लाहाबाद कोई होगा या नहीं होगा, जहां तीनों नदियों का मेल हो जाए, जहां तीनों नदियों का मेल होगा स्वभाव संस्कार का, वहां सिर्फ नाम गंगा रह जाएगा, यमुना और सरस्वती अलग संस्कार नहीं रहेंगे। और वही गंगा जब आगे बढ़ती है स्वभाव तो संस्कार में उसका अर्थ में आगे बढ़ती है तो कौन से शहर में जाकर के उसका नाम काशी नगरी पड़ता है। नगर का नाम क्या है, बनारस, जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। वो काशी नगरी कहा जाता है, जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी या बिना मेहनत के मिल गया, बिना मेहनत के मिल गया तो अवस्था बनाने में मेहनत करनी पड़ती है या संग के रंग से स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही पुरुषार्थ होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन करते हैं कि काशी में जाकर के मरेंगे, यानी अंतिम क्षण जीवन के काशी में जाकर के संग का रंग लगेगा तो अंत मते तो गति हो जाएगी, सहज सहज हो जाएगी या कठिनाई तो हो जाएगी, जैसा संग वैसा रंग। तो काशी नगरी दुनिया की जितने भी शहर हैं उनमें एक ऐसा शहर गाया हुआ है शास्त्रों में जिसका विनाश के टाइम पर भी विनाश नहीं हुआ दिखाया गया। असुर पाताल लोक में सारी दुनिया को ले गए, लेकिन जब पाताल लोक में ले जा रहे थे तो काशी नगरी छिटक गई। क्योंकि वहां सदैव शंकर का वास रहता है, वहां जो भी बच्चे हैं उनके लिए अद्वैत वाणी में भी बोला है, बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। माने काशी में सदैव किसका बात है,
नहीं करे जी सब संघ का रंग अच्छा लगता है वहां पहुंचते वो तीन नदियों के संस्कार मिलने वाली गंगा नदी ऐसा मोड़ धारण करती है ज्ञान में पुरुषार्थ में उसका रूप तलवार की तरह बन जाता है। उसके लिए गायन है ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा जैसे कृपाण अर्थात कृपा तलवार की धार होती है लगा और काम किया ऐसे ही गंगा का रूप बन जाता है जो उत्तर भारत के सदियों से सोए हुए कुंभकर्ण है वो भी जाग जाते तो कहते हैं वर्णारती जिस वरुणा नदी जो नदियों में बहुत गहरी नदी मानी जाती है ज्यादा चौड़ी नहीं है विस्तार वाली नहीं है परंतु गहरी है गहरा किसे कहा जाता है कहते हैं ना ये आदमी बहुत गहरा है इस औरत में गहरापन तो है ही नहीं बहुत उथली क्या मतलब इसका इसके पेट में पचाने योग्य बात पच के रहती है वो है गहरा और जिसके पेट में कोई बात रहती ही नहीं सब उगल के बाहर डाल देते देता है उसको कहते उथला। सागर कैसा है? सागर के लिए कहते हैं जितना सागर गहरा है उतना दुनिया में कोई भी गहरा नहीं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे जो पोता मिल देते हैं वो किसको देते हैं? सागर को देते हैं। अगर नदियों के द्वारा भी देते हैं तो नदियां उस कचरे को ले जाके कहाँ डालती है? सागर में ही डालती। तो गहरा अच्छा होता है या उथला अच्छा होता है? तो वरुणा नदी बहुत गहरी है उस गहरी नदी से जब गंगा जाकर के मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। उत्तर भारत के वो हैं जो अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कब जाते हैं नहीं जब गंगा निकले मैदान में आए तो उनकी भी जागृति हो तब तक उत्तर भारत के जागते नहीं है सोए पड़े रहते उत्तर भारत में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? यूपी बिहार राजस्थान
मध्य प्रदेश तो उसका नाम ही है मध्य, उसका आधा हिस्सा दक्षिण में भी है और आधा हिस्सा उत्तर में भी है। हाँ उत्तर भारत की बात है, मध्य भारत की नहीं। हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, है हाँ जी, इसके अलावा जो नेपाल है, कैलाश पर्वत है, हिमालय पहाड़, वो उत्तर भारत में कहा जाएगा या कहाँ कहा जाएगा? उत्तर भारत में ही कहा जाएगा। जो शिव जी के गण हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? है का नाम क्या है? नहीं, कैलाश पर्वत पर शिवा है वहाँ, वो शिव के गण दिखाए जाते हैं, रुद्रगण बहुत ऊंची स्टेज में रहते, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल जीवन में उनका देवताई जीवन है, या जैसा प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए ज्ञानियों का वैसा जीवन है। प्रैक्टिकल में पक्के ब्राह्मण है या प्योरिटी में लीकेज है? क्या कहे? नहीं बोलेंगे, पक्के ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अब जब पक्के ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन जीवन में ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल में नहीं है, तो उनको कुंभकर्ण कहेंगे, जागता हुआ कहेंगे कुंभकर्ण। इलाके की बात नहीं, मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि की स्टेज की बात है। ऐसे नहीं है कि दक्षिण भारत में जो पैदा हुए हैं शरीर से वो दक्षिण भारतीय है, विदेशी है, भारत के विदेशी नहीं। क्या उन्होंने, उन आत्माओं ने हर जन्म दक्षिण भारत में लिया है? लिया है नहीं। तो आत्मा को उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का नहीं कहा जाता है, शरीर को कहा जाता है कि उत्तर भारत का है दक्षिण भारत का है। लेकिन हमारी तो भाषा ही निराली है। हम मन बुद्धि से अभी जिस स्टेज में है, कहाँ के वासी है? है उत्तर भारत के है, क्योंकि मनन चिंतन मंथन में बुद्धि चल रही है, ऊंची स्टेज में बुद्धि है, तो ऊंची स्टेज वाले शिव के गण है। उनको देवता नहीं कहेंगे, सिद्ध स्वभाव नहीं है, पक्का ब्राह्मण नहीं बने। पक्का ब्राह्मण माने देवता। ये नहीं कहेंगे कि उत्तर भारत के अभी सन्यासी नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए हुए हैं, नहीं, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यहाँ तक कि शंकर के भी आजकल बहुत से चित्र दिखा दिए, छोटा सा शंकर क्या कर रहा है? सो रहा है। पहले ऐसे चित्र नहीं निकाले जाते थे, अब निकाले जा रहे। बाबा अभी बताया गया है एक माता के लिए बोला है, आंगनबाड़ी के
ज्ञानी तो आत्माओं की संख्या बहुत कम, इसलिए बाप को कौन प्रिय है?
क्या लिखू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों भगवान बाप जब आता है तो क्या लाता है, हमको क्या देता है? धन दौलत सोना चांदी तो नहीं लाता, ज्ञान धन ही तो देता है। और उस ज्ञान धन की कदर सबसे जाति कौन करता है? तू कहाँ करता है? राम बाप वाली आत्मा ज्ञान मंथन करती है, ज्ञान को अपना बनाती तो है। ज्ञानी तू आत्मा तो है, लेकिन कदर वाला तब कहेंगे जब प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करके वैष्णव बन जाए। बनता है ब्रह्मा, एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। शंकर के लिए ये गायन नहीं है। और शंकर के इतने माथे पर, महाकाली के माथे पर, वैष्णवी के माथे पर दिखाते हैं, वैष्णवी के माथे पर दिखाते हैं और जगदम्बा के माथे पर नहीं दिखाते। जगदम्बा तत्वप्रधान स्टेज का नाम है या तमोप्रधान स्टेज का नाम है? तत्वप्रधान है तो जगदम्बा है। अमराधे का नाम क्या दिया? जगदम्बा सरस्वती। और वही जगदम्बा सरस्वती शूटिंग में आते 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 तम प्रधान बनती है। अधूरा चंद्रमा शक्ति की टोल उसमें प्रवेश करती है। आपने देखा नहीं ध्यान से, जो महागौरी है उसके मस्तक पर चंद्रमा नहीं दिखाते हैं, जो काली अथवा काली की भुजाएं हैं, जो आत्माएं उनके मस्तक में ही चंद्रमा अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 100 साल तैयार में सुना हुआ और तहसीलदारी दादा लेखराज ब्रह्मा की और 88-89 में सुना हुआ, इन दोनों को भी जन्म देने वाले बड़ी माँ उनका 100 साल के बारे में और 5 ब्रह्मा के बारे में बताते हैं और 3 ब्रह्माओं के बारे में क्यों नहीं बताते? जो पहला और दूसरा नंबर होता है उसका गायन ज्यादा हो जाता है, बाकी थर्ड क्लास को तो वो पूछता नहीं। आज तक ट्रेन में भी थर्ड क्लास निकाल दिया है, तो थर्ड नंबर, क्योंकि हर नंबर को कोई फॉलो नहीं करेगा ना, इसलिए थर्ड को भी नहीं पूछते, फोर्थ को भी नहीं पूछते। बाबा हम सबके मुकाबले में तो वो लोग बेटर ही है। कौन? नहीं नहीं, इसलिए बेटर नहीं है कि जो 5 ब्रह्मा दिखाए गए हैं उस 5 ब्रह्मा में से जो प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो एक ही आत्मा सजाएं नहीं खाती है और बाकी सब सजाएं खा जाते हैं, तो बेटर है। तुम किसका फॉलोअर बनना चाहते हो? सजा खाने वालों का? लेकिन साथ साथ आज्ञा भी तो माननी है, फॉलो करने से चल जाएगा।
ब्रह्मा के कर्मों को सिर्फ फॉलो किया और डायरेक्शन को नहीं समझा, डायरेक्शन देने वाले बाप को नहीं समझा, नहीं माना या नहीं चले, तो प्राप्ति पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। अरे ना, हाँ ना, ना। एक संकरण सजा नहीं खाता, आठ आत्माएं हैं, आठ सजाएं नहीं खाती, और जो चार ब्रह्मा हैं, उनसे तो अच्छा जो आप तो देवताएं हैं वो अच्छे, किंतु सजाएं तो नहीं खाते हैं। ब्रह्मा को फॉलो करना है और बाप का डायरेक्शन लेना है, हाँ। और ब्रह्मा बाबा ने बाप का डायरेक्शन दिया है ना, अरे खुद भी आओ तो तुमको फॉलोअर्स भी लेते ना। यज्ञ के आज में जिस व्यक्ति से उन्होंने अपने साक्षात्कारों का डायरेक्शन लिया, उनके फॉलोअर कहाँ से पहचाने? ब्रह्मा ने भी नहीं पहचाना बाप को, तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो भी बाप को नहीं पहचानते। बताया जा रहा है राधा ही लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी जगदम्बा बनती है। आप उल्टू की बातें कहीं से उखाड़ के निकाल लेते हैं? नहीं, वो मुझे चलाएंगे, वो 5000 वर्ष की बात है। जो एक ही टेबल में चलाई गई वो कौन सी मुरली की बात है? रिवाइज मुरली को मुरली ओरिजिनल कहेंगे? वो तो डुप्लीकेट है। प्रजापिता ब्राह्मण के ब्राह्मण प्रजापिता ब्राह्मण के ब्राह्मण पहला ब्राह्मण पहला पढ़ा और पूछो। हाँ, प्रजापिता ब्राह्मण प्रजापिता ब्राह्मण के पहला ब्राह्मण पहला देवता पहला स्त्री के पुत्र नहीं बने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता। पुत्र बने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता, मतलब क्या? पहला ब्राह्मण पहला माना पहला ब्राह्मण पहला देवता पहला क्षत्रिय बनेगा वही देवता बनेगा और दूसरे देवता नहीं बनेंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा की पहला ब्राह्मण बना के आदि मतलब पिता ब्रह्मा जो है वो सुनने सुनाने के लिए बना। उस समय की महिमा में प्रवेश किया ना, उस समय माँ और बाप का जो दोनों में एक साथ प्रवेश नहीं करता, पहले माँ में प्रवेश करता है, पहले बाप में प्रवेश करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहेंगे कि बाप पैदा करता है, बाद में माँ पैदा करती है। अरे दोनों साथ साथ पैदा करते हैं कि आगे पीछे पैदा करते हैं? दोनों साथ साथ पैदा करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है कि जो बाप जब आते हैं तो माँ बाप दोनों में आदेश होता है, एक के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन और उसी समय दूसरी आत्मा के द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। ऐसे नहीं एक में पहले प्रवेश किया फिर दूसरे में बाद में प्रवेश किया। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, नहीं तुमेव माता तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि प्रजापिता भी ब्राह्मण बन
बने बिगर प्रजापिता नहीं बनता है, उसको भी ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, ब्रह्मा के मुख से सुनना पड़े। ये बात दूसरी है कि उसी क्षण सुनाने वाली आत्मा सुनाती है और सुनने वाला सुनता है, समझता है और बताता भी। दोबारा जन्म लेके जो आत्मा आती है वो ब्राह्मण नहीं होती है, जो वैष्णवी देवी है वो स्वाधीन राजा है या रानी है, के आधीन है या स्वाधीन है। और शिव बाबा क्या बनाने आए हैं? अधिकारी बनाने आए हैं या आधीन बनाने आए हैं? अधिकारी बनाने आए हैं। जो अधिकारी बनते हैं उनकी प्राप्ति अलग, जो आधीन बनते हैं उनकी प्राप्ति अलग। ये बात है कि घर परिवार का मुखिया जो बाप होता है उसे कहेंगे स्वाधीन और पत्नी बीवी बच्चों को कहेंगे आधीन, लेकिन बाप अगर जिम्मेवार है और अपनी जिम्मेवारी को पूरा समझता है तो अपनी पत्नी और बाल बच्चों का सुख पहले देखेगा या अपना सुख पहले देखेगा? असली राजा किसको कहा जाएगा जो प्रजा के लिए मर मिटे सुख उठा ले या अपने को सेव कर ले प्रजा को मर जाने दे? है तो जो अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है और जो आधीन होता है उसकी जिम्मेवारी कम होती है। तो ज्यादा सुखी कौन रहेगा? आधीन रहने वाले को जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख मिलेगा या जो जन्म जन्मांतर स्वाधीन बन के रहेगा उसको ज्यादा सुख मिलेगा? रानियों ने महलों में रह करके बिना खून खराबे किए मस्ती मारी और राजाओं ने क्या किया है? खून खराबा किया और अपना खून खराबा कराया। तो ज्यादा दुखी कौन होते? आधीन ज्यादा दुखी हुए या स्वाधीन ज्यादा दुखी हुए? है आधीन दुखी हुए। जो स्वाधीन होते हैं उनको दुख भी बहुत, इसलिए कहते हैं बड़ा पहावना अति दुख पावना। हैदराबाद में केसर गुट्टा शिवलिंग का मंदिर है, उसमें बकरों कह दिया तो राम ने शिवलिंग स्थापना करने के लिए हनुमान को कैलाश शिवलिंग लाने के लिए भेज दिया, लेकिन हनुमान ने कई प्रकार नहीं आता। ये राम ने क्या कर दिया, वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर स्थापना कर दिया। राम ने वो देख करके गुस्सा आता है। लंबी चौड़ी कथा कहानी है ये पांव से हनुमान क्या कर दिया वो कहानी को थोड़ा स्टार्ट करिए। ये मिट्टी बना करके लिंग स्थापना कर दिया राम ने, वो देख करके हनुमान क्या कर दिया वो मिट्टी को पांव से
गिरा दिया वो सब टूटा हो गया। क्या है बेहद का अर्थ? क्या है किस बात का बेहद का? हनुमान को क्या विक्रम गीता है? हनुमान को ऐसा गुस्सा क्यों आता है? राम ने ऐसा अपने प्रश्न को प्राप्त करिए जवाब मिले। आज राधे का जन्म पहले होगा या बाद में होगा? है भक्ति मार्ग में राधे को बड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं? बड़ा दिखाते प्रत्यक्षता वाले की पहले होगी या दूसरों की प्रत्यक्षता पहले होगी? बाबा प्रत्यक्ष ज्ञान भी तो देगी। हाँ तो ज्ञान देगी और प्रत्यक्ष होगी। कोई एक सेकंड में प्रत्यक्ष होगा। अभी अभी लिया और अभी अभी जन्म लिया प्रत्यक्ष हुआ। धारण करने के लिए यही तो बताया कि जिसके पास जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होगी उस आत्मा को पुरुषार्थ में गैलप करने में सहज होगा या कठिन होगा? बहुत सहज होगा। और जो आत्मा जन्म जन्मांतर की अपवित्र होगी उसको चढ़ने में तकलीफ होती है, सहज नहीं होता है।